नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, स्टॉकेज और ईलन मार्केट्स का को-फाउंडर। दोस्तों, फेस टू फेस एक ऐसा सीरीज है जहां पे मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको हर तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाऊं। और जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होता है, इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वगैरह काफी टॉपिक्स है जिसपे चर्चा करनी होती है। और जो भी मेरे गेस्ट आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे जो ये 1 घंटे का या 1.5 घंटे का इंटरेक्शन इनके साथ जो हो, वो आपकी लाइफ में एक कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ के जाए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से अपना करियर चालू किया था और मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है डिसिप्लिन वे में वेल्थ क्रिएट करने का। लोगों को आजकल लग रहा है कि म्यूचुअल फंड की क्या दरकार है, हम XYZ प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट इक्विटी में कर लेते हैं। श्योर, आप कर सकते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन आपको एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट देता है वो शायद आपको डायरेक्ट इक्विटी उतना नहीं देता है। तो मेरी हमेशा मान्यता ये रही है कि म्यूचुअल फंड में आप डालिए, बट डायरेक्ट इक्विटी में भी थोड़ा परसेंटेज रखिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं ना, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी टाइम से एडवाइस करते अपने क्लाइंट लोग को अब, और म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है इनसे। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं, जो कि आपको समझना चाहिए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली मेंबरों के लिए, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना ही होगा, क्योंकि मैं इन्वाइट करने वाला हूँ इस वीडियो में एक डिटेल चर्चा करने के लिए संदीप कुलकर्णी जी को। हेलो संदीप। या हाय विवेक जी, हाउ आर यू? बहुत सही, आप कैसे हैं? All well, बढ़िया बढ़िया। Thanks for having me over in your show. It's my pleasure. बहुत सारी बधाई कि आपने आपके चैनल के माध्यम से, YouTube के माध्यम से पूरे इंडिया को आप एजुकेट कर रहे हो स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, जो स्कूल पे नहीं हो पाता है वो काम आपकी तरफ से हो रहा है, दैट उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू संदीप जी। बस आप जैसे मित्र जुड़ते जाए तो ये कारोबार तो बहुत बड़ा होगा ही, और इंडिया तो अभी हमने तो कुछ भी नहीं टच किया है, जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। रियल भारत में पहुंचना है एंड एवरीवन हैज टू लर्न दिस होल साइंस बिहाइंड द मार्केट। तो आज की चर्चा में संदीप जी, जैसा कि मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड को डिकोड करते हैं, और मुझे पता है कि यू आर रियली गुड इन दिस डोमेन, तो पहले एक बैकग्राउंड चेक कि आप कैसे, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपका क्या बैकग्राउंड है, और फिर उसके बाद वी विल डू वेरी डीप डाइव इनटू दिस इंडस्ट्री। मैं पिछले 14-15 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हूँ। पहले मैं इंडिया के टॉप बैंक में मैं काम करता था, वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट में उनके। आई वर्क देयर फॉर 7-8 इयर्स। इनिशियली आई वाज अ रिलेशनशिप मैनेजर, देन आई बिकेम अ ब्रांच मैनेजर। तो 2014 ऑनवर्ड्स आई क्विट द जॉब एंड आई हैव स्टार्टेड माय ओन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, माय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। I have about like close to 300 clients and I manage close to 100 crores of mutual fund AUM as of now. सही है, fantastic. और आप किस city में हैं अभी? I am based out of Pune. Oh wow, fantastic. A very peaceful and highly intelligent city it is. Yeah, very stable city. तो overall आपका experience mutual fund में invest करके और invest करवा के, overall आप मुझे बताएंगे कि रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सब पूछते हैं कि रिटर्न कैसा है, रिटर्न कैसा। मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बिकॉज शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में देखना चाहिए, पहले और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को यूनिक बनाते हैं। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड एज एन इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसा है? इट्स बीन वेरी वेरी गुड। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है स्टॉक मार्केट को पढ़ने का या समझने का, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा जरिया बन गया है। इनिशियली तो बहुत कम अवेयरनेस भी होता था फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू उन्होंने आके देखा है कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, तो वो उन्होंने वहाँ पे देखा है। तो दैट हैज बीन वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स हैव क्रिएटेड गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आई हैव सीन लाइक पीपल स्टार्ट विद वेरी स्मॉल मनी एंड दे बिकम लाइक करोड़पतिस जस्ट इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सही बात है। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल कोई भी अगर चालू करना चाहे तो मिनिमम कितने रुपए से कर सकता है? 100 रुपए से कर सकता है क्या? आई थिंक 500 1000 से यू कैन स्टार्ट म्यूचुअल एसआईपी। 500 रुपीज या 1000 रुपीज से कर सकते हो, लमसम आई थिंक 5000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपए तो महीने के दोस्तों निकल ही जाएंगे अगर
आप 15-16 साल के भी, 17 साल के भी होंगे, तो आजकल 2-2.5 हजार रुपए महीने तो पॉकेट मनी हो ही गए हैं, तो 500 रुपया उसमें से सेव करो तो एक्चुअली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग तुरंत चालू हो सकती है। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने अवेलेबल है जिन्होंने ये पूरा प्रोसेस को इतना इजी कर दिया है। एंड ऑब्वियसली आपके पास अगर बड़ा कैपिटल है तो अगेन मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग धारणा है, एंड आई एम नॉट, आई आई होप आई एम नॉट प्रूव रॉन्ग इन दिस इन फ्यूचर ऑल्सो, दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल है। आप जितना भी डायरेक्ट प्लान कर लीजिए, बट फाइनली जब मार्केट गिरता है तो दोस्तों के फोन जरूर आते हैं कि क्या करें विवेक, और तब मैं बोलता हूँ कि और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर, एडवाइजर रखता तो शायद तेरे को ये चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों, ठीक बोल रहा हूँ क्या संदीप जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत प्रोएक्टिवली मैनेज किया हमारे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो पिछले 5-6 सालों से। जो डाउन साइड आई थी तो हमने वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा था राइट टाइम पे। हमने वी हैड गॉट आउट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप्स एंड वी गॉट बैक आल्सो इन राइट मिड एंड स्मॉल कैप पे, वी गॉट बैक इन एट द राइट टाइम। सो दैट वे लाइक वी हैव डन वेरी गुड फॉर आवर क्लाइंट्स। वो तो कैसे किया था वही हम डिस्कस करना चाहते वही हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे। वही मैं कहने वाला था कि दोस्तों ये जो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है म्यूचुअल फंड में भी, तो लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दो, तो संदीप जी का ये बोलना था कि नहीं, थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज करेंगे तो म्यूचुअल फंड में और बेटर रिटर्न जनरेट होगा। तो आज का पूरा डिस्कशन उसी के अराउंड होने वाला है। तो संदीप जी, वी आर ऑल सेट रेडी, लेट्स गो डीप डाइव। तो आप स्क्रीन शेयर करिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि क्योंकि मैंने संदीप जी के साथ में एक वीडियो का राउंड कर लिया था, अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो उतना अच्छा आया नहीं था, तो हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आपको तो पता है कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। तो ये बहुत अच्छा कॉन्टेंट है इनका, नॉलेजेबल है, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आप लास्ट तक रुके रहिएगा, जल्दी मत निकलिएगा प्लीज। चलिए संदीप जी, ऑल सेट। या हाय, तो आज हम ब्रॉडली बात करेंगे हाउ कैन वी यूज म्यूचुअल फंड्स फॉर वेल्थ क्रिएशन। हमारा वेल्थ क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड को हम कैसे जरिया बना सकते हैं हमारा। तो बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएं, उसको प्रोएक्टिवली कैसे मैनेज करें। और आजकल बहुत चल रहा है कि एक्टिव फंड लेने चाहिए, पैसिव फंड लेने चाहिए, इंडेक्स फंड लेने चाहिए, ETFs लेने चाहिए, वो क्या है, कैसा करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रॉडली ये 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं अबाउट क्रिएटिंग पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जो होता है म्यूचुअल फंड का, जैसे हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो हम ना 25, 30, 40 स्टॉक खरीद लेते हैं कोई के लोग, तो ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं करना होता है। क्योंकि एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 30, 40, 50 स्टॉक्स होते हैं। तो इतने मतलब आप अगर 10-15 म्यूचुअल फंड ले लोगे तो आप ओवर डाइवर्सिफाई हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना होता है, एक लिमिटेड सिंपल पोर्टफोलियो बनाना होता है। उस पोर्टफोलियो को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कोर पोर्टफोलियो और एक होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो वो होता है जहाँ पे आपका स्टेडी रिटर्न्स बनते हैं, जहाँ पे आपको कंपाउंडिंग और स्टेडी टाइप के फंड्स आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो वो होता है जहाँ पे आप टैक्टिकल एलोकेशन लेते हो कि थोड़े समय के लिए आपको जहाँ पे रिटर्न बनने वाले दिखता है वहाँ पे लेके यू लाइक चर्न एट अ क्विकर रेट एज कम्पेयर टू कोर पोर्टफोलियो। तो उसके बारे में होता है। बट उसके पहले ना लेट्स लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए। जो आप बोल रहे हो ना कि आप जो बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड में करना ही क्यों चाहिए, अगर हम स्टॉक्स डायरेक्टली बाय कर सकते तो म्यूचुअल फंड की जरूरत ही क्या है। तो म्यूचुअल फंड में ये बेनिफिट्स है कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि 500 रुपीज या 5,000 रुपीज से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 5,000 रुपये लेके आप 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट म्यूचुअल फंड में के थ्रू आप 5,000 रुपीज से आप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप महीने का 5,000 रुपीज का 1,000 क्या अगर SIP बनाते हो तो यू कैन मेक अप मतलब अलग अलग तरह के ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडियन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल एलोकेशन। तो वो यहाँ पे पॉसिबल है विद अ स्मॉलर अमाउंट, यू कैन हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। दूसरा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। अभी जो फंड मैनेजर होता है टिपिकली ही इज लाइक हाईली क्वालिफाइड पर्सन, ही इज IIT IIM पास आउट होते हैं, उसके बाद उन्होंने CFA क्वालिफाई किया होता है, या फिर वो CA रैंक होल्डर होता है, फिर उसके बाद वो CFA क्वालिफाई करते हैं। उसके साथ इनको सपोर्ट करने के लिए एनालिस्ट की टीम होती है जो सेक्टर स्पेसिफिक उनको नॉलेज होता है या सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं। वो फंड मैनेजर को इनपुट देते थे इनके साथ, और इनको गाइड करने के लिए एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है जिसको 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो एक बड़ी सी टीम होती है जिसको आप हायर करते हो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट दे के टू मैनेज योर पोर्टफोलियो। वो 5,000 रुपीज हो या 5 लैक्स हो या 50 लैक्स हो या 5 करोड़ हो,
वो सबको एक जैसी गाइडेंस देते हैं, तो वो एक्सपर्टीज आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में म्यूचुअल फंड के थ्रू मिलती है आपको। बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप मिड एंड स्मॉल कैप वाले फंड, एग्रेसिव फंड में जाना चाहो तो उस तरह के फंड है आपको। आपको अगर कॉन्जर्वेटिव फंड में जाना है जहाँ पे आपको 6 महीने के लिए पार्क करना है पैसा, 1 साल के लिए पार्क करना है, उस तरह के फंड में आप डाल सकते हो। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस आया है, यू वांट टू स्टार्ट कि आप उनको उसमें से इनकम आया आपको, तो उस तरह के फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके उससे इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन है। ग्लोबल फंड्स, आप इंडिया बैठ के ग्लोबल मार्केट्स के बारे में इतना आपने की जानकारी नहीं होती है और इन्वेस्ट करना इतना आसान भी नहीं है, तो यहाँ बैठ के आप ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्राजील वाले फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हो, यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। बहुत वैरायटी है प्रोडक्ट्स की म्यूचुअल फंड में, जिस तरह के चाहिए वहां पे आप, आपके जो सुटेबल आपके लिए प्रोडक्ट होगा उस तरह का आप प्रोडक्ट ले सकते हो। डिसिप्लिन होती है इन्वेस्टमेंट की। कई बार कैसा होता है कि मार्केट जब तक तेजी में होता है तो हम एंथुजियास्टिक होते हैं इन्वेस्ट करते हैं, और जब थोड़ी मंदी आती है होता है तो हमारा एंथुजियाज्म कम हो जाता है। यहाँ पे कैसा, आप अगर एसआईपी के डिसिप्लिन रखते हो तो हर महीने में आपका सर्टन अमाउंट इज गोइंग टू गेट इन्वेस्टेड और वो पैसा मार्केट में लगता रहेगा। तो जैसे नीचे के लेवल पे बाइंग होगी तो जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो यू विल बी लाइक यू विल गेट बेनिफिट ऑफ व्हाट एवर यू गुड डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन दैट यू मेड व्हेन द मार्केट वाज डाउन। तो वो डिसिप्लिन एक तरह से यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। हर महीने में आप अगर अकाउंट में पैसा रखोगे तो वैसे खर्च हो जाएगा, उससे अच्छा अगर एसआईपी आप स्टार्ट कर दोगे तो एक कंपलसरी डिसिप्लिन होते जाएगी आपकी कि हर महीने में एक सर्टन अमाउंट गेट्स इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो उस तरह का एक डिसिप्लिन वहां पे बन सकता है। वोलेटिलिटी इसमें बहुत कम होती है कंपेयर टू स्टॉक्स। स्टॉक्स में अगर एक दिन में 10-20% का मूवमेंट ऊपर नीचे बहुत आराम से हो जाता है। ऊपर मूवमेंट होगा तो सबको पसंद है, लेकिन नीचे जब 10-20% जाता है या एक हफ्ते में ना 30-40% जाता है या एक महीने में 50% आधा हो जाता है, 2 महीने में आधा हो जाता है, तो देन दैट दैट उस तरह की वोलेटिलिटी आपको म्यूचुअल फंड में नहीं दिखेगी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, दे बाय बंच ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अभी जो मार्केट चल रहा है इसमें भी अभी देखो आप पीक से बॉटम मार्केट की ड्रॉडाउन कुछ स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ 17% डाउन है। आप अगर स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड उठा के देखोगे तो 9-10% 11% के आसपास की ड्रॉडाउन होगी उसकी, उससे ज्यादा की ड्रॉडाउन है नहीं। तो वो उसकी वॉलेटिलिटी कंपेरेटिवली कम होती है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो बंच ऑफ स्टॉक्स बाय करते, एक स्टॉक बाय नहीं करते। तो वॉलेटिलिटी जिसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है उसके लिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा रिटर्न ऑन एफर्ट। देखिए जो ऐसा बोलते हैं कि प्राइस ऑफ एनीथिंग इज द अमाउंट ऑफ टाइम वी एक्सचेंज फॉर इट। आपको बैठे बैठे म्यूचुअल फंड में 12 से 18% का एनुअलाइज रिटर्न बन रहा है 10-20 साल में, कुछ भी ना करके, कुछ भी आपको सिर्फ वहां पे इन्वेस्ट करना है और भूल जाना है उसको। उतना भी करेंगे तो भी आपको 12 से 18% बिना किसी एफर्ट के अपने मिलने वाला है। तो वो रिटर्न ऑन एफर्ट यहाँ पे बिना कुछ किए अगर इतना मिल रहा है तो बाकी फिर कितना आप करके कितना एडिशनल बना सकते हो वो भी बात हो जाती है। अगर बिना कुछ किए इफ यू कैन मेक लाइक 12-18% तो इंडिविजुअल एफर्ट पे आप कितना ज्यादा बना सकते हो वो वाली बात होती है। यहाँ पे रिटर्न ऑन एफर्ट इज वेरी गुड, मतलब बिना कुछ किए यू कैन मेक गुड डिसेंट रिटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाट, राइट दैट्स लाइक व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। नाउ लेट्स कम टू अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। जैसे मैंने बोला कि कोर पोर्टफोलियोज में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हाइब्रिड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ग्लोबल फंड्स होने चाहिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स, सेक्टोरल फंड्स वगैरह हम ले सकते हैं। इसको अगर हमको चूज करना होगा कोर पोर्टफोलियो तो एकदम सिंपल मैं तरीका बताता हूँ। स्टॉक एज के अपने वेबसाइट या ऐप पे जा सकते हो आप। यहाँ पे उन्होंने बंच यहाँ पे बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड थीम्स का। वहाँ पे हाई बीटा फंड्स होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, क्लोन इंडेक्स वाले फंड होते हैं, इन्वेस्ट इन ब्लू चिप वाले फंड होते हैं और इंटरनेशनल फंड होते हैं और कुछ ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले फंड होते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरी में से कोई भी एक फंड आप उठा के ना यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो 4 और 5 म्यूचुअल फंड, उतना ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। आप वो 4-5 फंड्स का पोर्टफोलियो बना सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं करना होता है। आपने ये स्टॉकेज ने काफी क्यूरेटेड लिस्ट बनाई हुई है, उसके ऊपर रिसर्च डाल के आपको और एडिशनल रिसर्च नहीं करना है कि हाई बीटा में कौन सा फंड खरीदू या मैं मॉडरेट रिस्क में कौन सा खरीदू या ब्लू चिप में कौन सा खरीदू। तो वो सारा रिसर्च स्टॉकेज ने अपने एंड पे करा हुआ है। तो यू जस्ट हैव टू चूज लाइक 4 और 5 फंड्स बिटवीन दीज कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा रिस्क एपेटाइट है, तो उस हिसाब से आप उसको बना सकते हो। टिपिकली 3-4-5 फंड्स एट द बेस्ट कोर फंड में, उतना उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3-4 फंड या द मैक्स 5 फंड्स इज गुड इनफ फॉर दैट।
टॉकिंग अबाउट अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाने के दो तीन तरीके हैं। एक आप मोमेंटम वाला पोर्टफोलियो, जहाँ पे जिस सेक्टर में मोमेंटम चल रहा है, जैसे पिछले कुछ समय से आईटी में अच्छा मोमेंटम चल रहा था, मेटल्स में अच्छा चल रहा था, तो वहां पे आप पैसा लगा सकते हो। आपका अगर दिख रहा है कि मोमेंटम अर्निंग्स वाला मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, आपको वैसा फील आ रहा है, तो आप वहां से पैसा लगा सकते हो। यहाँ पे मैं एक ये दिखा रहा हूँ, हर साल अलग अलग इंडेक्स अच्छा करता है, तो उसमें से आपको दिख रहा है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, वहां पे आप मोमेंटम वाला फंड उठा सकते हो, सेक्टर वाला फंड। या जहाँ पे जैसे बहुत समय से ना अंडर परफॉर्म किया है, 3 साल 5 साल के रिटर्न एकदम लो है, जैसे FMCG यहाँ पे पिछले बहुत ही साल से काफी खराब कर रहा है, तो मे बी दैट कैन बी अ कॉन्ट्रा कॉल। या ऑटो ऑटो सेक्टर में अगर आप देखें रिसेंटली, तो ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 4-5 साल से काफी खराब परफॉर्मेंस रही है उसकी, अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके स्लैक है डिमांड का, तो दैट कैन बी अ गुड कॉन्ट्रा कॉल। तो उस तरह का या तो मोमेंटम कॉल आप ले सकते हो या कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हो, आपका जिस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, उस तरह का एक सैटेलाइट फंड आप आपके पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हो। या तो यूटीआई का ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक हो गया ऑटो सेक्टर का, अगर अभी आप आपको खरीदना है तो यूटीआई ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक से एक अच्छा ऑटो कॉन्ट्रा कॉल हो सकता है। या मोमेंटम आपको जाना है तो निफ्टी अपना आईटी वाला कोई फंड उठा सकते हो, या कमोडिटी वाला कोई फंड उठा सकते हो, दैट दैट इज अ गुड मोमेंटम वाला बेट। कितना परसेंटेज हमारा कोर में होना चाहिए, कितना सैटेलाइट में होना चाहिए? 60-70% कोर होना चाहिए, 30-40% यू कैन से कि आप सैटेलाइट में रख सकते हो। और ये निफ्टी ईटीएफ भी माना जा करना चाहिए कोर के अंदर में? हाँ, निफ्टी ईटीएफ इंडेक्स फंड हमने यहाँ पे रखा था कि इंडेक्स क्लोनिंग द इंडेक्स करके, सबसे पहले वही लिखा था हमने, क्लोनिंग द हाँ इंडेक्स वाले फंड में एक इंडेक्स फंड भी उठा सकते हो आप, डाइवर्सिफाइड रिस्क वाला एक, अंडर वैल्यूड फंड, तो ऐसा अलग 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 आप फंड बना के कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो वैसा। तो एक एक जस्ट एक थॉट प्रोसेस के लिए क्लैरिटी मांग रहा हूँ कि जैसे अगर 70% कोर में होना चाहिए तो कितना परसेंटेज इंडेक्स में होना चाहिए? 20-25% इंडेक्स फंड में डाल देना चाहिए ना 10%? नहीं देखो, अगर हम 70% में इफ यू आर लाइक चूजिंग 5 फंड्स, तो इक्वली 5 करके 14-14% आप कर दो, ओके, या इफ यू आर चूजिंग 4 फंड्स, तो उसको व्हाटएवर अमाउंट दैट इज देयर यू कैन डिवाइड इक्वली बिटवीन दोस फोर तो फंड्स। बेसिकली 5 थीम आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 70। एग्जैक्टली एग्जैक्टली समझ, एग्जैक्टली, ठीक है। ये हो गया। अब मिड एंड स्मॉल कैप को भी मैं प्रैक्टिकल ही पोर्टफोलियो मानता हूँ। मीडिया स्मॉल कैप ऐसा नहीं होता कि आप लेके बैठ ही जाओ, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें बहुत वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। जब तेजी आती है तो बहुत ऊपर जाते हैं, और मंदी आती है या करेक्शन आते हैं तो बहुत करेक्ट करते हैं, तो राइट टाइम पे इसमें थोड़ा सा एग्जिट करना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक सिंपल एकदम एकदम क्या बोलते हैं वैसे, एक थम रूल है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट एक थम रूल है ऐसा कि जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी के इक्वल हो जाए, अभी निफ्टी कुछ 17,000 के आसपास है और स्मॉल कैप इंडेक्स 10,000 के आसपास है, जब दोनों सेम टू सेम हो जाए ना, अप्रोक्सीमेटली सेम टू सेम हो जाए, मतलब ये दोनों अभी स्मॉल कैप इंडेक्स कैचअप करके निफ्टी के जितना उसका वैल्यू हो जाए, तो वो स्मॉल कैप और मिड कैप बेचने का टाइम आ गया ऐसा हम समझ सकते हैं। और जब ये उसका आधा हो जाए, सॉरी इतना इतना तो होता नहीं स्मॉल कैप और निफ्टी, मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्टली नहीं होता है। ओके, होता ना, उसके नजदीक भी जाए 80% हो गया या 40%, 80%। मतलब इसमें ऑलमोस्ट हो गया था, मतलब एक्चुअली दिसंबर 2017 में हो गया था, या इवन 2005 6-7 में भी हो गया था यहाँ पे। बट इसका क्या नहीं लॉजिक है? ये तो मतलब आई थिंक ये जस्ट आपने डेटा को, पुराना डेटा देख के एक जजमेंट बना लिया होगा, नहीं तो निफ्टी का बेस ही अलग है, स्मॉल कैप का बेस ही अलग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं, बट एक रेशो चार्ट है, मतलब हाँ ये हाँ पेंडुलम बोल सकते हो आप, कि पेंडुलम एकदम एक्सट्रीम चला जाता है, कभी जब हाँ तेजी आती है तो मिड एंड स्मॉल कैप बहुत ज्यादा चल जाते हैं, तो इसलिए बोला कि इट्स लाइक अ थंब रूल, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट जी जब जी वो उतना चला जाता है ना, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मिड एंड स्मॉल कैप, एंड थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है समझे। या तो वो है, और जब स्मॉल कैप निफ्टी से लगभग आधा हो जाता है स्मॉल कैप इंडेक्स की वैल्यू, तो दैट हैज बीन अ गुड टाइम टू बाय हिस्टोरिकली। तो पिछले 15-20 साल का अगर हम डेटा देखें, तो व्हेनेवर स्मॉल कैप इंडेक्स हैज बीन लाइक हाफ ऑफ निफ्टी, जैसे अभी निफ्टी 18,000 है और स्मॉल कैप अगर 9,000 के आसपास जाता है, अभी ऑलरेडी 10,000 है ही, 9,000 जाता है, इट लाइक अ फैंटास्टिकली गुड लेवल टू बाय बेसिकली, तो गो एग्रेसिव इन मिड एंड स्मॉल कैप, वैसा होता है। तो बाइंग जोन वैसा होता है जब एग्रेसिवली आप बाय कर सकते हो, जब वो 0.6 या इसके नीचे होगा, 0.5 के नीचे होगा, और आप सेल या से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। व्हेनेवर इट गोज बियॉन्ड 0.8 वगैरह आपके ऊपर जब जाता है, तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग और प्रॉफिट्स। हम अगर अभी चालू करना चाहता और वो अभी कहीं बीच में है तो क्या करूं? अभी उसका टाइम हो रहा है ना, अगर 5 साल का है तो आप ले सकते हैं ना, आप उसमें यू कैन बाय, यू कैन बाय। क्योंकि 9,000
हो सकता है पहुंचे, तो हम 10,000 पे तो है ही, तो 10,000 पे भी हम चालू कर ही सकते हैं, बिकॉज हाँ बिल्कुल, लार्जली मैं तो SIP करूंगा, राइट, वन टाइम तो मैं करूंगा नहीं। करोगा तो उसमें सवाल ही नहीं है, एसआईपी वाला बात ही नहीं होता है। एसआईपी में तो ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग का जरूरत ही नहीं होती है। एसआईपी में तो यू लाइक यू फर्स्ट हैव टू एक्युमुलेट अ कॉर्पस, ओनली आफ्टर दैट लाइक यू कैन थिंक अबाउट टाइमिंग एंड ऑल ऑफ दैट। फर्स्ट यू एक्वायर गुड अमाउंट ऑफ कॉर्पस, उसके बाद वो टाइमिंग वगैरह बात हो जाती है। एसआईपी का मैं तो उसमें मार्केट टाइम करने का बात ही नहीं होता है इसमें ज्यादा कुछ। करेक्ट। अच्छा मुझे बताइए, मेरे कुछ दोस्त लोग, ये लोग बोलते हैं मेरे पास 50 लाख रुपए आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो बता दे क्या करना चाहिए। तो मेरे को हमेशा लगता है कि यार वन टाइम 50 लाख तुम मत डालो, 50 लाख को एक बार एक काम करो, लिक्विड फंड में पार्क कर दे और फिर हर महीना उसका SIP कर, बिकॉज टाइमिंग मार्केट का करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सोच मेरी ठीक है क्या? टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, अगर ऑलरेडी करेक्शन अच्छा खासा हो गया, 10-15% का करेक्शन हो गया है तो लमसम डालने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा और अगर मार्केट में करेक्शन होने के बाद 15-20-25% की रैली हो चुकी है, 25-30 हो गया, हाँ तो देन देन हाँ इट्स ओके टू गो स्टैगर्ड मैनर में जाना, अच्छा, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आप कर सकते मार्केट के हो। हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी जैसे मार्केट का अगर अभी अभी का हम अगर बात करें, हाँ निफ्टी का अभी अगर अपने देखें लेवल, 52 वीक हाई निफ्टी स्पॉट का था 18,600, और अभी 17,200 का भाव है, मतलब 1,400 पॉइंट नीचे है, करेक्ट है विच करेक्ट इज लेस देन 10% ऑफ परसेंट हाई या लेवल्स। ऑलमोस्ट करेक्ट। तो इस सिनेरियो में, तो सिक्सटी क्योंकि सिक्स 50-60% लमसम करके 30-40% आप 1-2 महीने के एसटीपी करेंगे तो दैट इज गुड इनफ मेरे ख्याल से। ये अच्छा खासा कूल डाउन हो चुका है। देखिए लग आप देखोगे निफ्टी 500 में ना 60-65% ऑफ द स्टॉक्स आर डाउन एटलीस्ट 20%। हाँ हाँ स्मॉल कैप इंडेक्स 16% डाउन हो चुके हैं, 17% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स 15-16% डाउन है, हाँ तो अभी अच्छा खासा कूल ऑफ हो चुका है। बैंक्स में पिछले 2-3 साल से कुछ रिटर्न नहीं बने, बैंक्स बहुत सस्ते चल रहे हैं अभी, लाइक दे आर लाइक मोस्ट लाइक बिगर बैंक्स लाइक एचडीएफसी लाइक ऑलमोस्ट एट द वन चीपेस्ट लेवल आउटसाइड ऑफ 2008 एंड 2020, इतने सस्ते में एचडीएफसी बैंक मिलता नहीं है, तो उस तरह के लेवल पे है। तो बहुत ज्यादा लार्ज कैप में तो बिल्कुल ज्यादा कुछ टेंशन ही नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं तो फिर मैं 10 लार्ज कैप में डाल दूंगा ना, सॉरी मैं म्यूचुअल फंड में क्यों डालूंगा? 10 लार्ज कैप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके आपने तो बल्कि 10 नाम ही बता ही दिया मोर और लेस मेरे को, तो करेक्ट करेक्ट हाँ मैं बिल्कुल। म्यूचुअल फंड मैनेजर को 2% किस बात का दूंगा? 10 स्टॉक तो मैं ही ले लेता हूँ। तो 10 स्टॉक कौन से लेने चाहिए पता नहीं ना अपने को, 100 स्टॉक है उसमें से 10 स्टॉक कौन से अच्छे करेंगे कौन से नहीं करेंगे अपने को नहीं पता था। अभी आईटीसी का एग्जांपल ले लो, अब आईटीसी को लोग सोच रहे कब से ऊपर जाएगा जाएंगे नहीं, तो अपने को नहीं पता होता है कौन सा करेगा अच्छा कौन सा नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो देखो, स्टॉक्स खरीदना से रिटर्न नहीं बनते, पोर्टफोलियो बनाना एक अलग आर्ट होता है। कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ये सारे डिसीजन होते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन में। ये नहीं होता कि ये स्टॉक मैंने स्टॉक बोल दिया खरीद लिया खत्म हो गया बात, ऐसा नहीं होता। पोर्टफोलियो डिसीजन पोर्टफोलियो क्रिएशन में 4 बेसिक डिसीजन होते हैं। एक होता है कौन सा स्टॉक खरीदना, कब खरीदना, कब बेचना और कितना खरीदना चाहिए, दो थ्री फोर फोर डिसीजन आर देयर। तो फंड मैनेजर की उसको ज्यादा पता होता है कि कैसे करना चाहिए वो सारा, व्हाट ही इज गुड एट इट मतलब, और उस तरह के रिटर्न भी वहां पे बन जाते हैं उस मतलब वी कैन ट्रैक ट्रैक उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। खुद तो अप करते तो हम परफॉर्मेंस ही ट्रैक नहीं करते खुद का, क्या हम अच्छे रिटर्न बना रहे हैं नहीं बना रहे, कोई भी कभी वी आर जस्ट हैप्पी विद पॉजिटिव रिटर्न बन जाता है उसी में खुश हो जाते हैं हम। चले ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, आगे बढ़ते। म्यूचुअल फंड को प्रोएक्टिवली कैसे मैनेज करना चाहिए, जनरली ऐसा बोलते हैं कि ना बाय एंड होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, वो भी अच्छी बात है, वैसे भी कर सकते हो, बट एक तरीका है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि इसको हम थोड़ा सा प्रोएक्टिवली मैनेज करना होगा, तो उसको कैसे किया जा सकता है और प्रोएक्टिवली मैनेज करके उसको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न हम कैसे जनरेट किया जा सकता है उसके जी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर 10 साल से 15 साल के आप रिटर्न देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के, तो दे फॉल बिटवीन 12-18%। आप लॉन्ग टर्म अगर रिटर्न देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कभी कभी उससे कम भी होगा कभी उससे थोड़ा ज्यादा भी होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रिटर्न्स विल बी बिटवीन 12-18%। सही बात है। हाँ तो इसमें अगर और इसमें अगर हम 20% का एक भी डिक्लाइन अगर हम अवॉइड कर लेते 10 साल में, तो ये 12-18 का जो है दिख रहा है उसको 14-20% हो सकता है। तो उसको बराबर, एक 20% का डिक्लाइन अगर हम 10 साल में 20% का एक डिक्लाइन अगर हम अवॉइड कर पाए तो ये रिटर्न कैन गो अप टू 40-20% रिटर्न हो सकते हैं इसमें।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सेंसेक्स के अगर रिटर्न देखेंगे तो हमेशा एवरी वंस इन अ वाइल ना यहाँ पे एक 20% वाला करेक्शन कभी ना कभी आ ही जाता है। यहाँ भी कम को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे भी करेक्शन आया था वगैरह, तो कुछ ना कुछ वजह से कुछ ना कुछ करेक्शन आते रहते हैं। वो करेक्शन अगर हम अवॉइड कर पाए तो अपने रिटर्न इम्प्रूव करते हैं। हमने वही पे मैं जो आपको बता रहा था कि अगर हम 15% अगर लोअर खरीदते हैं तो जो 10% का रिटर्न है वो 12% हो सकता है, 14% का रिटर्न 16 होता है, तो 2% एडिशनल रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कैसा करना चाहिए ये फिलोसॉफी हमने हार्वर्ड मार्क्स के इस पे हमने फिलोसॉफी पे हम डिसाइड करते कि कैसा करना चाहिए। तो उनका एक कोट है, वो बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस दैट अ इन्वेस्टर कैन मेक इन इंटरमीडिएट टर्म इज वेदर टू बी एग्रेसिव और डिफेंसिव, नॉट वेदर इट्स टाइम टू बाय स्टॉक्स और बॉन्ड, इट्स नॉट वेदर टू बाय डेवलप्ड मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स, बट वेदर इट्स गुड टाइम टू बी एग्रेसिव और इट्स टाइम टू बी डिफेंसिव। एंड आई बिलीव दैट दिस डिस्टिंक्शन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन, दे डू नॉट रिक्वायर गेसवर्क अबाउट द फ्यूचर। वो क्या बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं होता, कोई मार्केट टाइम नहीं कर सकता, बट हमको इतना हम जजमेंट लगा सकते हैं कि कब हमको मार्केट में एग्रेसिव होना चाहिए और कब हमको मार्केट में कॉन्जर्वेटिव होना चाहिए, और उसके लिए हमको कोई प्रिडिक्शन वाली एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हम अपने आसपास देख के, आसपास का माहौल देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कब एग्रेसिव होना चाहिए, कब कॉन्जर्वेटिव होना चाहिए। उनका और एक कोट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई बिलीव इन मेनी केसेस अवॉइडेंस ऑफ लॉसेस एंड टेरिबल ईयर्स इज मोर इजिली अचीव्ड than repeated greatness, and thus risk control is more likely to create a solid foundation for long-term track record. इसका मतलब वही है कि मतलब अल्फा क्रिएट करना बड़ा इतना आसान है नहीं, मतलब तो उसको अल्फा क्रिएट करने से अच्छा आप अगर it is relatively easy to avoid जो बड़े खराब साल होते हैं ना, जैसे 2018-19 टाइप हो गया या 2007-8 वाला जो फेज होता है वो वाला सिचुएशन है, उस तरह का अवॉइड कर सकते हो। 2020 वाला आप अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज दैट वाज अ सरप्राइज, वो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, बट 2018-19 वाला आप अवॉइड कर सकते हो, या 2008 वाला है तो उसमें आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हो काफी हद तक। तो ये करने के लिए हमको बोलते हैं कि मार्केट का टेम्परेचर एसेस करना चाहिए। मार्केट का टेम्परेचर कैसे एसेस करेंगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होती है जिसको देख के हम मार्केट का टेम्परेचर एसेस कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि टाइम एग्रेसिव कब होना चाहिए, जब मार्केट कैप टू जीडीपी 60 के नीचे हो, और कॉन्जर्वेटिव तब होना चाहिए मार्केट कैप टू जीडीपी 90 के ऊपर। आई विल जस्ट शेयर दैट चार्ट विद यू। तो ये पिछले 20 साल के आसपास का चार्ट है। 2002-2003 में तो बहुत ही सस्ता था मार्केट, वहां से बहुत बड़ी रैली आई, और जो मार्केट का पीक बना यहाँ पे 2007 में, तो उस समय मार्केट कैप टू जीडीपी हैड टच्ड ऑलमोस्ट 150% के आसपास। वहां से करेक्शन आया तो इट वेंट डाउन टू ऑलमोस्ट 50%, फिर वहां से बड़ी रैली आई, इट अगेन टच 100% 2010 में, वहां से पीक हो गया, फिर करेक्शन होने के बाद अगेन इट वाज मीएंडरिंग बिटवीन 50% and 60% अप्रोक्सीमेटली फॉर ऑलमोस्ट 1-1.5 years टाइम। फिर बड़ी रैली आई यहाँ पे 90% के आसपास 2017-18 में, पीक पे यह हो गया, वहां से नीचे आया तो 45% के आसपास चला गया मार्च 2020 के बॉटम में। तो वो सिचुएशन है फिलहाल। तो वो मतलब जब जब ये 60% के नीचे होता है तो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव टाइम होता है, और बहुत एग्रेसिवली आपको बाय करना चाहिए। अब आपका पोर्टफोलियो पोजिशनिंग आप बहुत एग्रेसिव कर सकते हो। जब आप ये 90% के ऊपर होता है तो ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो पोजिशनिंग कॉन्जर्वेटिव होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा ये ड्रॉबैक भी होता है कि जैसे नई कंपनीज लिस्ट होती है तो उससे थोड़ा सा ये स्क्यू हो जाता है, बट इट विल स्टिल बिल्कुल थोड़ा तो उससे आप यू कैन गेट अ पल्स की क्या सीन है क्या नहीं है मार्केट। अभी अगर LIC जब लिस्ट होगा तो 14-15 लाख करोड़ मार्केट कैप में ऐड हो जाएगा, तो ये डेटा ही पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली उसको फिर नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि अगर सपोज उस 2002 में LIC होता तो फिर उस समय क्या होता, नॉर्मलाइजेशन करेंगे तब उसका इम्पैक्ट। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला। But it is like one of the indicators, ऐसा कुछ होता नहीं कि नहीं, obviously, इसको देख के कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हमने पॉइंटर्स आइडेंटिफाई किए, तो one of that was market cap to GDP। दूसरा पॉइंटर है निफ्टी इज नियर और बिलो 200 वीक मूविंग एवरेज। सही है। तो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बॉटम्स होते हैं वो टिपिकली 200 डे मूविंग एवरेज पे बन जाते हैं, और जो थोड़े से लॉन्ग टर्म टाइप के अपॉर्चुनिटीज आती है वो 200 वीक मूविंग एवरेज पे आती है। तो ये मैंने पिछले बड़े सालों का मैंने यहाँ पे निकाला है चार्ट निफ्टी का। तो ये 2000
डॉट कॉम का पीक था जब वो 63% अबव इट्स 200 वीक मूविंग एवरेज था, वहां से बड़ी करेक्शन आ गई थी। और जब वो नीचे गया, यहाँ पे किसी ने भी बाय किया होगा 2001 से 2003 जब वो करेक्ट होने के बाद, जब 200 वीक के बाद जिसने भी डाला पैसा, दे मेड किलर रिटर्न इन द नेक्स्ट लाइक कपल ऑफ इयर्स टाइम। उसके बाद यहाँ पे भी कई कई बार व्हेनेवर इट इज क्रॉस लाइक 60% यहाँ पे क्रॉस किया, 100% दो बार क्रॉस किया था 2003 से 2007 के बीच में, और यहाँ पे फिर जाके पीक आया यहाँ पे। तो जब जब ये बहुत एक्सटेंडेड हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, कार ना बहुत तेज चल रही है ऐसा बोल सकते, तो एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता ना कि यहाँ से हो गया तो मार्केट घूम ही जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि टाइम करेक्शन भी आ जाए प्राइस करेक्शन की वजह, बट बहुत स्पीड से तेजी से चल रही गाड़ी और कभी ना कभी एक्सीडेंट होने का संभावना है, ऐसा हम यहाँ से तात्पर्य निकाल सकते हैं। जब वो 50-60% से थोड़ा अगर ऊपर है तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, और जब जब वो जितना नजदीक होगा 200 वीक मूविंग एवरेज से उतना अट्रैक्टिव आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 2009 में आया था उसके नीचे, 2013 में इट हैड टच्ड एंड इट वाज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल फॉर क्वाइट सम टाइम। 2016 में उसने वहां पे टच करके बॉटम बनाया था। 2020 जब मार्च 2020 हुआ था तो काफी नीचे चला गया था वहां पे, वहां से 10,200 था, मैं देख रहा था एक्चुअली 10,200 की लेवल थी, मैंने लोगों का पैसा लगवाया और उसके बाद भी फिर 20-25% नीचे गया मार्केट, चला गया मार्केट। बट एनीवे इन्वेस्टेड एट 10,000 लेवल आल्सो ही दे आर लाइक सिटिंग ऑन प्रीटी गुड गेन्स टुडे। तो वो होता है फिलहाल, अगेन इट इज एट लाइक 50% के ऊपर था अक्टूबर में, अभी थोड़ा नीचे आ गया, इट वाज लाइक अप 50%। दूसरा ये होता है कि मार्केट टॉप्स आउट ऑन यूफोरिया, टिपिकली ना पैराबोलिक रैली आती है लास्ट में, एक क्लाइमैक्स मूव जिसको बोलते हैं। क्लाइमैक्स मूव में क्या होता है, जैसे 2007 ये अगर नैसडैक हम देखें सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट बबल्स अगर हम बात करें, तो ये 2000 का डॉट कॉम बबल था, उसके लास्ट के 6 महीने में डबल हो गया था नैसडैक। फिर यहाँ पे अगर नीचे शंघाई कंपोजिट, आपका अगर चाइना का मार्केट याद होगा 2015 में वहां पे एक बबल बना था, तो 4 महीने में 60-65% ऊपर चला गया। 2015 में इसकी टॉप बनी थी बड़ी, और अभी भी आई थिंक उसके नीचे, आई एम नॉट श्योर बट शायद अभी भी उसके नीचे है फार्मा इंडेक्स की, तो 31% चला गया था 3 महीने में। स्मॉल कैप इंडेक्स वाज अनदर लाइक मेजर बबल इन 2000 के पीरियड में बना था, वहां पे भी 5-6-4 महीने में आई थिंक इट हैड गॉन अप 70% के आसपास चला गया था। तो ये इस तरह का क्लाइमैक्स मूव आता है जब बहुत चार्मला, ऐसा रोज न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती कि आज 1000 पॉइंट से निफ्टी ऊपर चला गया या सेंसेक्स ऊपर चला गया, उस तरह की जब न्यूज आना चालू हो जाते तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए वहां पे हमको, और थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में उस समय करने में हर्ज नहीं है वो। फिर तीसरा होता है मार्केट ब्रेड्थ नैरो हो जाती है और कुछ ही कुछ स्टॉक्स चलते, तो तब मार्केट फिर थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए हमको। जब देखो ऐसा एक बॉब फेरेल करके बहुत बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे यूएस में, तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट्स आर वेरी ब्रॉड मार्केट होते हैं, और जो नैरो मार्केट होते हैं वो दे आर वेरी साइन ऑफ अ वेरी वीक मार्केट। तो ये एक डेटा है 2009 मतलब दिसंबर 2017 से मार्च 2020 के लो में, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 15-20 स्टॉक्स थे जो निफ्टी के, HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, एशियन पेंट्स, ये सब कुछ कुछ स्टॉक्स थे, क्वालिटी स्टॉक्स जो बोलते थे, तो दोज केप्ट ऑन गोइंग हायर। बट उसी पीरियड में ना जो बाकी के स्टॉक्स थे, मिड एंड स्मॉल कैप भी नीचे गए, बहुत ज्यादा नीचे चले गए थे, और बाकी गए भी बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा नीचे चले गए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि इंडेक्स 13% नीचे गया है फ्रॉम 2017 के पीक पे, बट बहुत सारे स्टॉक्स थे जब बॉटम 35 स्टॉक्स थे, देवर ऑन एन एवरेज डाउन 36%। टॉप स्टॉक्स तो एक्चुअली ऊपर थे, 10% ऊपर था एट मार्च 20 के बॉटम पे बात कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे इल्यूजन हो गया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट वो बहुत नैरो मार्केट था, लिमिटेड स्टॉक्स ऊपर देखे जाते, रिलायंस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें। तो इस तरह का जब नैरो मार्केट होता है कि लिमिटेड स्टॉक ऊपर लेके जा रहे हैं, अभी इवन इनफैक्ट रिसेंटली हमने 6 महीने में, पिछले 4-5 महीने में सेम फिनोमेना हमने यूएस में भी देखा था, मतलब लास्ट 1 ईयर इनफैक्ट ब्रॉड मार्केट लास्ट ईयर के फरवरी में टॉप आउट हो गई थी, और उसके बाद जो रैली आए पिछले मई जून से, वो सारी रैली हैज बीन ओनली इन दोस फैंग प्लस स्टॉक्स, जो बोलते फैंग स्टॉक, एनवीडिया, वो सारे स्टॉक्स ही चल रहे थे, बाकी स्टॉक्स तो नीचे नीचे जाते जा रहे थे। तो वो क्लाइमैक्स मूव पिछले, उसका क्लाइमैक्स वो दूसरा तरह का क्लाइमैक्स होता है, डाउन साइड वाला भी क्लाइमैक्स आता है, तो वो क्लाइमैक्स मूव पिछले 2-3 महीने में हमने यूएस में देखा है।
तो जब जब नैरो मार्केट होता है तो हमको थोड़ा कॉशियस होना है, जब जब ब्रॉड मार्केट होता है तब तक हमको वी शुड बी वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। जब ब्रॉड मार्केट होता है तो बड़े करेक्शन भी नहीं आते, और जब नैरो होता है ना तो बहुत शार्प करेक्शन आ सकते हैं मार्केट में। समझ गया। मार्केट्स जनरली बॉटम आउट ऑन बैड न्यूज, एंड जब मार्केट का बॉटम होता है ना कोई क्राइसिस या परसेप्शन ऑफ क्राइसिस होता है, कभी कभी एक्चुअल जेन्युइन क्राइसिस होता है, कभी कभी परसेप्शन ऑफ क्राइसिस होता है। तो अगर हम 2000 मार्च 2020 की बात करें तो एक क्राइसिस आ गया था, जो अगर 2008 की बात करें तो वहां पे बैंकिंग वाली क्राइसिस आ गई थी। बट अगस्त 2019 वगैरह की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन दिख रही थी, तो परसेप्शन ऑफ क्राइसिस था, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आ गया था। मल्टी ईयर लो जीडीपी चल रही थी और है ना ये सब जगह पे बहुत ज्यादा निगेटिव न्यूज चल रहा था कि क्या होने वाला है इंडिया का। 2019 की बात कर रहा हूँ, ये जो लेफ्ट में आप राइट हैंड साइड में आपको जो इमेज दिख रही है, दैट इज ऑल दोज न्यूज स्निपेट्स आर फ्रॉम 2019, अगस्त 2019, जो फर्स्ट बजट हुआ था निर्मला सीतारमन का। उसके बाद मार्केट में जो करेक्शन आया था बहुत ही डिस्पोंडेंसी थी मार्केट में, क्योंकि और उस वक्त का जो जीडीपी नंबर आया था दैट वाज मल्टी ईयर लो। सिमिलरली अगस्त 2013 में जो जीडीपी नंबर आया था दैट वाज मल्टी ईयर लो, एकदम खराब नंबर आए थे, वहां से मार्केट पिकअप कर गया। मार्च 2020 में अगर देखेंगे तो टिपिकली एक ऐसा होता है ना कि जब मार्केट गिरता है बहुत ज्यादा, उसके बाद कुछ कुछ लोग आते हैं वो बोलते हैं और नीचे जाएगा, अगर 10,000 पे बोलते 8,000 जाएगा, 8,000 पे बोलते 6,000 जाएगा, 6,000 जाता है तो वो बोलेंगे और 4,000 जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ भी बोलते, वो कभी वो रुकते नहीं। तो वो जब एकदम बहुत बड़ा करेक्शन आने के बाद भी जब एक्सट्रीम एक्सट्रीम प्रेडिक्शन आना स्टार्ट होता है ना, तो दैट इज अगेन अ गुड कॉन्ट्रा इंडिकेटर की मार्केट होता है। और मार्केट क्राइसिस रिजोल्व होने के पहले बॉटम आउट हो जाता है, जैसे आप कोरोना का ये देखो तो लॉकडाउन क्या था ये आपको पता चलने के पहले मार्केट 40% डाउन हो गया था, और जिस दिन लॉकडाउन इम्पोज हुआ 23 मार्च को, उस दिन मार्केट ने बॉटम बना दिया था और वहां से मार्केट तेजी तेजी से ऊपर चला गया। जब जब आप मल्टी ईयर लो जीडीपी पे इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैं बोला ना कि क्राइसिस पे या निगेटिव न्यूज पे आप जब इन्वेस्ट करते हो तो अगले रिटर्न बहुत ही बेहतरीन रहे। अभी 2002 में मल्टी ईयर लो जीडीपी था, वहां से आगे आगे के रिटर्न बहुत ही बेहतरीन रहे थे। 2008 में बहुत मल्टी ईयर लो रिटर्न थे, उसके आगे 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न आए थे। 2012-13 में बहुत मल्टी ईयर लो रिटर्न थे, उसके आगे के 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न आए थे। सेम 2019 में भी खराब जीडीपी डेटा आया था, अभी तक 2.5 साल ही हुए बट 2.5 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न आए, ऑलमोस्ट डबल तो हो गया है, मिड एंड स्मॉल कैप तो डबल से ज्यादा हो गया, निफ्टी इज लेकिन ऑलमोस्ट 50-60-70%। इस सब में प्रॉब्लम एक और क्या होता है कि अब जैसे आरबीआई गवर्नर है हमारे, तो वो जब क्राइसिस होता है तो बोलता है अरे क्राइसिस चल रहा है, शेयर बाजार जो है वो क्राइसिस के हिसाब से नहीं वर्क कर रहा है। अभी मार्केट एकदम पीक पे है तो आके बोलते हैं कि वाह इकोनॉमी तो बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है। तो बेसिकली कॉन्ट्रेरियन प्ले करने का एक वो भी तरीका है कि करेक्ट जब करेक्ट फॉल्स परसेप्शन मैनेजमेंट की जाए ना, तो फिर हाँ हाँ कॉन्ट्रेरियन जा सकते हो कि भैया ये ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब उल्टा ही होने वाला है। कई लोग वैसा भी प्ले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। पीक पे भी मैगजीन का और इंडिकेटर भी होता है कि इकोनॉमिस्ट वाला कवर पे आ जाता है ना, जब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भागेंगे या मिड एंड स्मॉल के भागेंगे, दैट इज द टाइम नहीं उसको बेच के निकल जाना चाहिए हमको। नहीं लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तो खैर ये सब तो पैरामीटर्स देख ही लेगा इंसान, बट फाइनली अगर सपोज उसको बेचना है तो म्यूचुअल फंड से वो क्या एग्जिट करेगा? वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो को पूरा जीरो कर देगा क्या? हाँ सैटेलाइट पोर्टफोलियो को जीरो कर सकता है या कॉन्सर्वेटिव करना चाहिए, देखिए इट्स नॉट लाइक कि बाइनरी नहीं होता कि ना ऑन ऑफ वाला स्विच नहीं है कि आ गए पूरा है मार्केट में और पूरा निकल गए। कॉन्सर्वेटिव फंड्स होते हैं जैसे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड हो गया, वहां पे आप चले जाओ, वहां पे आप उसका पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ, इवन कोर पोर्टफोलियो में से कुछ कुछ आप फंड्स निकाल के यू कैन मूव मोर टूवर्ड्स डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड में आप जा सकते हो, या ग्लोबल फंड्स में आप थोड़ा स्विच कर सकते हो, उस तरह के इसमें आप जा सकते हो। थोड़े कॉन्जर्वेटिव फंड होते हैं, इक्विटी सेविंग हो गया, डायनेमिक एसेट एलोकेशन हो गया, तो तो उस तरह एक के वो फंड हो बताइए ना गए। ये कि किस किस करके, और ये क्या स्टॉकेज के अंदर में हमने वो एक्चुअली क्लासेस दे रखा है, तो अगर आप अगर माइंड नहीं करेंगे तो एक बार आप web.stockage.com खोलिए ना। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि कंजर्वेटिव फंड्स क्या होते हैं और एग्रेसिव फंड्स क्या क्या होते हैं कैटेगरी वाइज। अब इसमें मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मैं मतलब इट्स नॉट दैट मैं मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, बट अब जैसे इसमें क्लासेस में अगर हम लोग जाएं तो देखिए इतने सारे ये क्लासेस हैं जिसमें इक्विटी डेट हाइब्रिड और अदर्स है, तो एक आइडिया दीजिए ना कि तो
अब एक एक करके चलते हैं कि ऊपर वाले जो फंड्स हैं, ऊपर में जो है, तो ये तो प्योर इक्विटी मार्केट कैप फंड्स हो गए, तो ये तो कंजर्वेटिव नहीं हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो यहां से हम निकल के वी कैन गो स्लाइटली टुवर्ड्स डेट वाला एलोकेशन हम ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हमको हाइब्रिड में रहना चाहिए, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया। उसपे क्या होता है, बैलेंस बैलेंस एडवांटेज का मतलब क्या है? एडवांटेज फंड वो होते हैं जहां पे मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से वो इक्विटी एलोकेशन कम ज्यादा करते हैं। जैसे मार्केट जब चीप होता है तो वो मार्केट में इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाते हैं, और जब मार्केट जब महंगा हो जाता है तो वो मार्केट से पैसा निकाल देते हैं और थोड़ा रेट में, और रेगुलर बेसिस पे वो रीबैलेंसिंग जो करना है वो फंड मैनेजर अपने एंड पे करते अच्छा, रहते हैं। तो ये बेसिकली वो हो गया ना, हाइब्रिड फंड ही टाइप हो गया कि हाइब्रिड फंड, इक्विटी यस, और म्यूचुअल फंड, इक्विटी और डेट को कंबाइन डेट के करते। अंदर कंबाइन करके, और उसका फिक्स्ड एलोकेशन नहीं होता, एलोकेशन चेंजेस एज पर मार्केट के वैल्यूएशन, मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड कैसा फंड मैनेजर को लग रहा है वो उसके हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा उस अच्छा तरह के अच्छा फंड में जा सकते हो आप, कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड हो गया, डायनेमिक एसेट एलोकेशन सेम ही हो गया, बायफ और जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन होता है वो सेम ही फंड होते हैं, तो वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उस तरह के फंड में आप मल्टी एसेट करके फंड होते हैं, इस तरह के फंड में जा सकते हैं। यहाँ पे बिसाइड्स डेट एंड इक्विटी वो गोल्ड में भी पैसा लगा सकते हैं, कुछ कुछ ग्लोबल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। तो उस तरह का ये थोड़े कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड साइड में आप इक्विटी से थोड़े थोड़ा इधर से स्विच कर सकते हो, अच्छा मिडिल फॉल के आपसे निकल के वी कैन गो टुवर्ड्स दिस साइड, ऐसा कर सकते हैं हम। और सर एक और चीज बताइए ना, ये अदर्स में एक बार चाहिए, यहाँ पर भी मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आपसे पूछ सकता हूँ एक्चुअली। अब ये अदर्स के अंदर में जैसे कुछ कुछ ऐसे फंड चाहिए, जैसे चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड, ये क्या होते हैं? चिल्ड्रन फंड देखो कैसा होता है ना, म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे होते हैं, आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया हाँ म्यूचुअल फंड का, तो उसमें आपने समझो 5-6 फंड लगा दिए, कभी आपने 4-5 साल के बाद पैसे आपको कुछ लगने हैं, आपने भूल गया कि आपने बच्चे के लिए पैसा लगाया, आप भूल जाते हो कभी कभी, आपने सोचा है कि ये बच्चे के एजुकेशन के लिए मैंने पैसे रखे हैं, बट आप भूल जाते हो, 5 साल के बाद आपको याद नहीं रहता कि हमने किस लिए पैसा लगाया था, हाँ हाँ आप विड्रॉ कर लेते हो और वो पैसा खत्म हो जाता है, उस पर्पज के लिए रखा था वो निकल जाता है। तो एक हाँ डेडिकेटेड चिल्ड्रन फंड भी होते हैं, मेरा खुद का जो मैं बच्चों की जो सेविंग करता हूँ, मैं एक चिल्ड्रन फंड है SBI की, उसमें करता हूँ मैं। तो चिल्ड्रन फंड में आप डालोगे तो डेडिकेटेड आपने पता है कि ये पैसा मैं अपने बच्चों के सेविंग के लिए रख रहा हूँ, इसको मुझे हाथ नहीं लगाना है, दैट इज अच्छा काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। रिटायरमेंट फंड भी, रिटायरमेंट फंड थोड़ा अलग होता है, रिटायरमेंट फंड से आप 60 के बाद उसमें से आप इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करके होता है, वहां से आप उसके जैसे आप एन्यूटी या पेंशन प्लान चलते हैं उस तरह के पेंशन प्लान जैसा आप उसमें कन्वर्ट करके आप उसमें से वो एक रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर सकते हो। जब तक आप रिटायर नहीं होते हो, जब तक 60 तक आप नहीं पहुंचते तब तक आप एक्यूमुलेट करके आप कॉर्पस क्रिएट करो, वंस दैट कॉर्पस क्रिएटेड उसके कॉर्पस के ऊपर आप पेंशन प्लान स्टार्ट कर सकते हो, पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हो या एन्यूटी लेना स्टार्ट कर सकते हो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के रूप से। सही। तो मतलब अगर आप गोल स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर गोल के लिए आपको एक स्कीम बना के दे सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही है, समझ गया सर, थैंक यू। अब आपका पीपीटी में वापस चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया सर, नेक्स्ट। उसके अलावा म्यूचुअल फंड रो इज मल्टी ईयर हाई, इन्वेस्टर्स ऑफ लॉगिंग, न्यू इन्वेस्टर्स ऑफ लॉगिंग टू मार्केट, नए डीमैट अकाउंट खुलते हैं, प्राइमरी मार्केट IPO मार्केट हाई एकदम हॉट एंड बजिंग होता है, IPO ओवर सब्सक्राइब होते हैं मल्टीपल टाइम्स, बहुत प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन, मार्केट ओवर रेटेड है, इसका मतलब ये होता है मार्केट नीचे होता है तो इनफ्लोस लो होते हैं म्यूचुअल फंड के, SIP कैंसिलेशन हो रही होती है, IPO कैंसिल और पोस्टपोन होते हैं। आप अगर देखो तो 2-1 साल पहले US मार्केट में इतने IPO आ रहे थे, इतने IPO आ रहे थे, स्पैक करके कॉन्सेप्ट लिखा था वहां पे, ब्लैंक हाँ चेक काम करता था वो सब, वहां पे फंड मैनेजर को खुदा बना दिया था लोगों ने जो वो मैनेज करते थे, तो वो सब अभी फिजल आउट हो गया। और अभी अभी लेटेस्ट फिगर ये है कि पिछले 2-3 महीने से हाईएस्ट नंबर ऑफ IPO गॉट कैंसिल, तो वो दैट इज लाइक कॉन्ट्रा इंडिकेटर ना कि ये हो रहा है, इवन 2020 में जो IPO आने थे बहुत सारे IPO कॉन्ट्रा कैंसिल हो गए थे। तीसरा इम्पोर्टेंट मार्केट का बॉटमिंग होने का ये भी होता है, जो मैंने क्या बोलते हैं धक्के खा के सीखा बोल सकते हो, कि वोलेटिलिटी इंडेक्स कूल डाउन होना पहला बहुत जरूरी है, उसके बाद आप बुलिश बनो, जब तक वोलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर ऊपर जा रहा है तब तक मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं पे पिक आउट करके इट हैज टू कम डाउन, उसके बाद आप बुलिश बन सकते हो, नहीं तो 2020 वाला जो सीन था वहां पे इट्स लाइक वीक्स वेंट टू 80 एंड मार्केट वेंट बर्सर्क एक्चुअली, वो होता है। सही, हाँ
फिलहाल का करंट सिचुएशन अगर बात करें हम तो मल्टीबैगर का ट्रेंड है गूगल, आपको अगर पता होगा गूगल या ट्रेंड, गूगल ट्रेंड में बहुत यूज करता हूँ इसको। तो लोग जो गूगल में सर्च करके ट्रेंड कर सर्च करते हैं, तो मल्टीबैगर स्टॉक के लिए जो सर्च के रिजल्ट आते हैं तो दैट इज लाइक वेरी हाई, मतलब टिपिकली इट हैज बीन अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर, जैसे 2007 2010 2017 में ये बहुत हाई पे चला गया था, उससे भी हाई पे चला गया था रिसेंटली, वहां से अभी इट स्टार्टेड टू रिवर्स, तो ये काइंड ऑफ सजेस्टिंग कि थोड़ा सा मार्केट ओवरहीटेड है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना चाहिए अपने को, स्पेक्युलेशन थोड़ा राइज पे है, इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं और स्पेक्युलेटर्स ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन का वॉल्यूम, ये डेटा ट्विटर से लिया है मैंने, और ये कंपेयर करता है प्री कोविड से लेके अब तक, तो प्री कोविड से लेके अब तक फ्यूचर में ऑप्शन का टर्नओवर 8 टाइम्स हो गया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट इज 3 टाइम्स, और डिलीवरी वॉल्यूम इतना नहीं है, डिलीवरी वॉल्यूम्स कम कम होते जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है, बहुत ये हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, बढ़ सकती है आगे भी, वैसा थोड़ा सा माहौल है बेसिकली, तो स्पेकुलेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत इजी मनी हो जाता है, तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए वैसा, और वो लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में थोड़ा सा वो फिजल आउट भी हुआ है वैसे, तो इसलिए वो मल्टीबैगर वाला ट्रेंड भी हमको रिवर्स होते दिख रहा है, सिचुएशन में थोड़ा सा ओवर हीटेड था वो, वैसा है, तो दिस इज अबाउट हाउ टू मैनेज योर पोर्टफोलियो प्रोएक्टिवली, जो मैंने 5 6 7 8 पॉइंट्स बताए उसमें से ऐसा कोई मतलब स्विच नहीं होता है कि खरीदो बेचो वाला, कोई स्विच नहीं होता है कि यहाँ पे खरीदो यहाँ पे बेचो, ऐसा कुछ नहीं होता है, जितने आपको टिक मार्क्स मिलेंगे ना, जितने पॉइंटर्स पे या बुलेट पॉइंट पे आपको जितने ज्यादा टिक मार्क मिलेंगे उतना आप एग्रेसिव बनो या उतना आप कॉन्जर्वेटिव बनो, तो आपने अगर मतलब जैसे स्टार्ट करते हो कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपको अगर लग रहा है बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, तो आप 80% एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाओ, 20% कॉन्जर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाओ, जैसे मार्केट ऊपर जाता है उसको धीरे धीरे करके 80 का 70 करो, 70 का 60 करो, सो ऑन सो फोर्थ, और जब आपको पीक लग रहा है ना बहुत ही कॉशियस होना चाहिए, तब आप 30-40% आप एग्रेसिव रखो और बाकी सारा आप कॉन्जर्वेटिव 60% 70% पोर्टफोलियो आप कॉन्जर्वेटिव करो, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि पीक हम पकड़ रहे हैं या बॉटम पकड़ रहे, इतना आसान होता नहीं हो, और वैसा हमको कुछ करना भी नहीं चाहिए, हमको पता नहीं होता मार्केट का पीक किधर है, किसी को भी नहीं पता होता है, और किसी को भी ये नहीं पता होता कि मार्केट का बॉटम किधर है, बट वी कैन हैव एन आइडिया कि मार्केट ना कब ओवर हीटेड है और कब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा कब है, उसका हम जजमेंट उस बात से लगा सकते हैं, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, तो उसको प्रोएक्टिवली मैनेज करेंगे तो अपने अच्छे रिटर्न तो बन ही सकते हैं, मतलब देखो कभी कभी लोग 12-15-18% रिटर्न में भी खुश हो जाते हैं, बट एक्सपीरियंस अच्छा है बहुत, मेरे को मैं 15 साल मैंने ये काम किया, मैंने हजारों लोगों के साथ मेरा पोर्टफोलियोज ये किए, लोगों ड्रॉडाउन किसी को पसंद नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पसंद हो गया ड्रॉडाउन, मतलब वो मैनेज कर सकते हैं, बट 99% ऑफ द पीपल डू नॉट लव लव बिग ड्रॉडाउन, तो हम यहाँ पे कोशिश ये है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस मिले और अच्छे ढंग के रिटर्न भी बन जाए साथ में, दैट इज द आइडिया बेसिकली, सही है। लास्ट फास्ट विल कवर कि जब एक्टिव पैसिव की जो हम बात कर रहे थे, तो एक्टिव फंड में करना चाहिए पैसिव फंड में करना चाहिए, थोड़ा सा डेटा के ऊपर बात करेंगे, टिपिकली हम देखते हैं तो पोर्टफोलियो या किसी भी फंड के हम रिटर्न्स अगर जज करते हैं तो हमको रोलिंग रिटर्न देखने चाहिए, ट्रेलिंग रिटर्न नहीं देखना, ट्रेलिंग रिटर्न क्या होता है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है कि 14 जनवरी से 2014 से 2016 का जो है दैट इज पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, बट अगर हम ट्रेलिंग वाली जब बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल जो काउंट्स हम देते हैं, जैसे 26 जनवरी 2014 से 26 जनवरी 2016 का एक काउंट हो गया, 27 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2017 एक काउंट हो गया, 16 एक काउंट हो गया, वैसे ऐसे नंबर ऑफ रोलिंग रिटर्न्स पकड़ के क्या रिटर्न बन रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी का यहाँ पे पकड़ा है, तो ये 2008 का हो गया, 2008 के पीक पे ये निफ्टी का 3 ईयर रोलिंग रिटर्न वॉज लाइक ऑलमोस्ट 40% के आसपास, और बॉटम में ये निगेटिव -4% चला गया था, यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे 2010 के पीक पे इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 20-22% पास्ट 3 ईयर रिटर्न थे, यहाँ पे 14 में भी इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 20% के पास्ट 3 ईयर रिटर्न थे, सो ऑन सो फोर्थ, यहाँ पे बॉटम में देखो तो ऑलमोस्ट निगेटिव कहीं कहीं पे भी बना था, यहाँ पे 2020 में निगेटिव बन गया था, तो वो रोलिंग रिटर्न होता है, तो जब म्यूचुअल फंड हम देखते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट हमको जज नहीं करना चाहिए, हमको रोलिंग रिटर्न देख के उसका एनालिसिस करना चाहिए, तो ये मैंने एक सिंपल चार्ट बनाया है, जो सबसे बड़े फंड है भाई AUM,
इसका मैंने डेटा देखा था कि इसका कैसा आउटपरफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू उसका जो भी बेंचमार्क है रिलेटेड टू दैट बेंचमार्क हाउ इज दैट पर्टिकुलर फंड डन, दिस इज लाइक 2-3 months ओल्ड डेटा। तो कोटक फ्लेक्सी कैप सबसे बड़ा फंड था एएम वाइज, तो डेट हैज आउटपरफॉर्म द बेंचमार्क ऑन 98% ऑफ टाइम्स। हो सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब दिख रही है व्हाटएवर, बट इट ऑन 98% ऑफ टाइम हैड यू इन्वेस्टेड इन कोटक फ्लेक्सी कैप यू वुड हैव मेड मोर मनी देन इन्वेस्टिंग इन अ इंडेक्स फंड। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में आप 3 साल के लिए कभी भी डालते हो 90% ऑफ द टाइम्स यू वुड हैव मेड मोर मनी देन इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। HDFC मिड कैप फंड में आप 3 साल में 99% चांस था कि आप उससे इंडेक्स से ज्यादा बना देते, और 5 साल में तो 100% ही था। तो 3 ईयर्स में कभी कभी होता था कि 98 कोई भी देखेंगे बड़े फंड्स तो 70-80-90% प्रोबेबिलिटी है कि आउट परफॉर्म कर देंगे, और 5 ईयर्स क्या देखेंगे तो मोस्टली अच्छा चांस होता है कि वो आउट परफॉर्म कर ही देते। टिपिकली कैसा होता है जब बहुत नैरो हो जाता है ना मार्केट, जैसे हमने देखा था कि 2017-18-19 में बहुत नैरो मार्केट था जो इंडेक्स के हैवी वेट मार्केट को ड्राइव करते हैं, तो उस तरह का जो मार्केट होता है तो उसमें एक्टिव फंड अंडर परफॉर्म कर जाते हैं और पैसिव फंड बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे यूएस में हुआ है, यूएस में अगर देखो तो कुछ लिमिटेड स्टॉक है 5-10-15 स्टॉक्स है जो हैवी वेट भी है इंडेक्स में, और उनका परफॉर्मेंस रिलेटिव टू बाकी के जो 400-500-450 स्टॉक्स है उसके कंपेरिजन में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। उसकी वजह से वहां पे इंडेक्स ने बहुत अच्छा किया, इंडेक्स को बीट करना बहुत मुश्किल रहा है। तो ऐसा होता है, तो ये डेटा ये बताता है बेसिकली कि एक्टिव फंड ने पिछले कई सालों से इंडेक्स से अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। सही है, फैंटास्टिक दैट्स अबाउट दैट। फैंटास्टिक। संदीप जी, एक बात तो है कि म्यूचुअल फंड वैसे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, और लोगों ने बोला है कि भाई म्यूचुअल फंड में SIP कर दो, बट ये जो मैं भी कई बार स्ट्रगल करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने में। लोग पूछते हैं कि SIP कर दो तो बट किस फंड में करें, क्या क्या देखें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जनरली लोग हिस्टोरिकल रिटर्न देख के जज कर लेते हैं कि ये फंड अच्छा है, इसके अंदर में डाल दो, विच इज एक्चुअली अ मिस्टेक, बिकॉज हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है फ्यूचरिस्टिक ना हो। अगर ऐसा होता तो HDFC AMC 3 साल 4 साल से अंडर परफॉर्मर क्यों होता, क्योंकि वो लोग तो पहले 10 साल से अच्छे परफॉर्मर थे ही। तो करेक्ट, ये क्वेश्चन मेरे मेरे अंदर में आ रहा है कि किसी भी फंड को हमको जज करना है कि हम इसमें डाले पैसा, तो रिटर्न के अलावा हमको और क्या देखना चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली वो कैसे बेंचमार्क को कितना परसेंट से आउट परफॉर्म कर पा रहा है, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो एक एस्पेक्ट होना चाहिए। और दूसरा एस्पेक्ट देखो सिर्फ फंड कौन सा सिलेक्शन है ना इसके ऊपर नहीं है, जैसे मतलब स्टॉक में बता रहा था कि ना ये स्टॉक खरीदना है ये बात नहीं है, उसमें पोर्टफोलियो बनाना है अपने को। तो पोर्टफोलियो बनाना कैसा है कि अलग अलग तरह के आप फंड उसमें उठाओ और उसके हिसाब से आप चूज करो। तो आप जब फंड उठा रहे हो तो टिपिकली यू चूज अ फंड विच इज डन अ कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस, और एक स्टेबल फंड मैनेजर उसके अंदर है जो उसको मैनेज कर रहा है, तो उस फंड को आप उठा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। और वो आप उसमें देखना है तो एक दो चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पे आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन ऑल्सो। जैसे एक फंड हो गया, हम बात करते हैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे पराग पारे का भी काफी पॉपुलर फंड है, पराग पारे एक फंड की बात करते हैं तो स्टॉकेज में हम जाके ना दो चीजें और देख सकते हैं यहाँ पे। एक उसका बीटा होता है, बीटा का मतलब ये होता है कि फंड बीटा इज अ मेजर ऑफ फंड्स मूवमेंट अप एंड डाउन कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट, इट इज अ मेजर ऑफ वोलेटिलिटी एंड सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द फंड्स पोर्टफोलियो। मतलब क्या है कि मार्केट अगर 10% से ऊपर जाता है तो फंड का कैसा मतलब मूवमेंट होती है, तो फंड का कितना मूवमेंट होता है, तो वो यहाँ पे दिया था। बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, बट बीटा कम होने के साथ उसका जेनसेंस अल्फा करके होता है हाँ अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट तो, और पॉजिटिव होने के बाद इट शुड ऑल्सो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। मतलब जब आप फंड इवेल्युएट कर रहे हो, आपने 4 फंड शॉर्टलिस्ट करके रखे और उसको आपको फाइनल शॉर्टलिस्ट करना है, तो आप इसमें आके देख सकते हो कि बीटा किसका कम है उसका कंपैरिजन करो, और जेनसेंस अल्फा जिसका ज्यादा है, ये दोनों चीजें देख के यू कैन डिसाइड कि कौन सा वाले फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। जो हमने फ्लेक्सी कैप हमने शॉर्टलिस्ट करा था उसमें से कौन सा फ्लेक्सी कैप लू, या मैंने वैल्यू ओरिएंटेड पकड़ा था उसमें से कौन सा वैल्यू ओरिएंटेड लू, तो वो चीजें आपको यहाँ से आप थोड़ा स्टडी डीप ज्यादा स्टडी करके आप खरीद सकते हो। मतलब तो थोड़ा होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क करना नहीं तो पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं तो उसमें कर लो बस। ठीक
क्योंकि बोलने वाले भी तो है ही लोग, स्टॉकेज भी बोल रहा है और भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज है जहां पर टॉप 5 फंड्स, टॉप 5, टॉप 10 फंड्स लोग बोल रहे हैं। अब ये आप मान लीजिए कि उनको बोलने के लिए पैसे नहीं दिए गए, वो बोल रहे हैं, जेन्युइनली बोल रहे हैं, तो वो आप क्यों देखिए, आप किसी पे डिपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्ट हो ही सकता है लोगों का। एनीवेज ये बात कभी और करेंगे। तो मोटा मोटी समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एक अपना रिलेवेंस है। और डायरेक्ट प्लान में आप करोगे तो जो डायरेक्ट प्लान ऑफर करने वाले प्लेटफॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं आपको क्यूरेटेड लिस्ट भी दे रहे हैं, तो आपको रिलाय करना पड़ेगा कि वो लिस्ट जो दे रहे हैं वो सही। और थोड़ा डीप डाइव करना है तो स्टॉकेज जैसी यूटिलिटीज है जहां पर आप डीप डेटाबेस का फायदा भी उठा सकते हैं। संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन। बिफोर वी क्लोज, कुछ और बोलना चाहेंगे आप? Thank you for giving me this opportunity, giving this platform to share my views about market and for me to able to reach a wider audience आपके माध्यम के थ्रू। Thank you so very much. Thank you. हमारा तो काम ही यही है कि जो genuine लोग हैं उनको हम ढूंढते रहते हैं और genuine लोग भी हमको ढूंढते रहते हैं और वहीं पर ही there is a marriage that yes we all have common interest of empowering retail investors of India. So thank you so much for adding your bit in this amazing knowledge bank which we are creating. Thank you so much. Yes, thank you Brian. Thank you दोस्तों, लास्ट तक रुकने के लिए। देखिए, लास्ट तक जो रुकता है मेरा मानना है कि वो अपने बारे में बहुत सोच रहा है, अपनी चिंता कर रहा है, इसलिए वो लास्ट तक रुका है। नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब लास्ट तक रुके ना पहले चले जाए। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक रुकने के लिए। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड का टॉपिक है ना, ये थोड़ा अंडरस्टूड टॉपिक है, बहुत ही सुपरफ्लुअस लेवल पे लोग समझते हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट संदीप जी ने बताया ना, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो, और कैसे मार्केट को जज करके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप थोड़ा डायनेमिज्म ला सकते हैं, ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।